जैसे हम किसी गांव में प्रवेश करते हैं तो कुछ ना कुछ लोग पहले से भी आ जाते हैं, और इस प्रकार से हम आज अपनी गांव पर चर्चा की यात्रा को लेकर के यहां पहुंच चुके हैं। नहीं नहीं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, खाली वो चर्चा। पराकू के राजापुर के पास एक छोटा सा गांव है, और गांव लगभग सभी छोटे होते हैं, लेकिन गांव की आवाज को बड़ी बनाना बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि गांव लगातार आज़ादी से लेकर के अब तक कहीं ना कहीं किन्हीं ना किन्हीं कारणों से उपेक्षित रहा है। लेकिन इस गांव की आवाज़ को उठाने का काम कुलदीप मिश्रा के द्वारा किया गया था। विभिन्न मुद्दों को लेकर के लगातार उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से एक चर्चा करना जारी रखा। जब हमने गांव पराको से कुलदीप मिश्रा की आवाज़ को सुना, यहाँ की समस्याओं को जाना, और गोवंश की समस्या को लेकर के जब ये पिछले दिनों अनशन पर बैठे थे, तो ग्राम पंचायत स्तर पर जब एक युवा अनशन पर बैठता है और एक ऐसी सोच को लेकर के बैठता है, तो उससे भी हमको एक प्रेरणा मिलती है कि हमको सर्वप्रथम उस गांव को एक प्राथमिकता देनी चाहिए, और प्राथमिकता इस बात के लिए ताकि गांव की आवाज़ कभी मरने ना पाए। बड़ी मुश्किल से गांव के अंदर एक आवाज़ खड़ी होती है, बड़ी मुश्किल से एक युवा कहीं ना कहीं खड़े होकर के गांव की आवाज़ बनने की कोशिश करता है। जब एक युवा गांव की आवाज़ बनने की कोशिश करता है, तो उसकी आवाज़ के साथ एक आवाज़ मिलाना अति आवश्यक हो जाता है। और मुझे ऐसा लगता है कि गाँव के युवाओं को भी महसूस करना होगा, और गाँव की जनता को भी महसूस करना होगा कि लगातार गाँव किन कारणों से नेतृत्व के लिए उपेक्षित रहा है, और गांव में आने वाले बजट से गांव की जनता को ही जब जानकारी नहीं होगी, तो फिर गांव का विकास कब और कैसे होगा, ये सवाल गांव की जनता से हम गांव पर चर्चा के माध्यम से करते हैं। और गांव पर चर्चा की शुरुआत भी इसलिए की गई कि हम गांव-गांव जाएं और गांव की जनता से उनके अधिकार और कर्तव्य के लिए, और आने वाले पंचायत चुनाव के माध्यम से गांव का भविष्य कैसे तय होता है, ये एक बड़ा सवाल है। अगर एक गलत नेतृत्वकर्ता गांव की जनता के द्वारा चुन लिया जाता है, तो यह लगातार देखा गया है कि गांव कहते हैं कि देश में अगर एक गलत नेतृत्वकर्ता हो गया तो देश 50 साल पीछे चला जाता है, और गांव में तो लगातार गलत नेतृत्वकर्ता को चुनने का प्रयास किया गया, और गलत लोग जब प्रधान बनते रहे, गलत लोग जब किन्हीं कारणों से क्या कहते हैं सत्ता पर काबिज होते रहे, तो हुआ ये कि गांव का जो विकास होना चाहिए, गांव का जो एक मॉडल होना चाहिए, जितना स्वच्छ गांव होना चाहिए, जिस प्रकार से गांव की एक अच्छी मानसिकता होनी चाहिए, वो विकास गांव की जनता का नहीं हो सका है। इसलिए आज ये विचारणीय तथ्य है कि जो आगामी पंचायत चुनाव है, इसको देखते हुए हमने मतदाता जागरूकता के लिए गांव की जनता के बीच में, गांव की महिलाओं के बीच में, और गांव के युवाओं के बीच में एक चर्चा करने का जो एक बीड़ा उठाया है, एक बड़ा माध्यम बनाया है, एक बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया है, जिससे लोगों की एक चेतना का विकास हो सके। जब लोगों का एक चेतना स्रोत जागृत हो जाता है, तो मुझे विश्वास है कि बहुत जल्दी ही लोग अपने गांव के प्रति की जिम्मेदारी को समझने लगेंगे, और जब वो गांव की जिम्मेदारी को समझेंगे, तो गांव के प्रति जो समर्पित एक युवा होगा या कोई भी व्यक्ति होगा, वो उसके प्रति जब अपना एक समर्पण दिखाएंगे और उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे, तो मुझे ऐसा एहसास होता है कि आज नहीं तो कल ऐसा जरूर हो सकेगा कि गांव की जो एक छवि होनी चाहिए, गांव तो एक बड़ा पर्यटन का स्थल भी हो सकता है, क्योंकि भारत के गांवों में ताकत है कि वो एक बड़े पर्यटन का स्थल हो सकते हैं, और प्रत्येक गांव की अपनी सभ्यता और संस्कृति होती है, लेकिन गांव की सभ्यता और संस्कृति को सहेजने का काम गांव के नेतृत्वकर्ता के द्वारा, चुने गए लोगों के द्वारा कभी किया ही नहीं गया। होता ये आया कि जब भी गांव की जनता ने एक बार मतदान किया, 1-5 साल के लिए एक व्यक्ति प्रधान बन जाता है, प्रधान बनने के बाद वो अपने मनमाफिक काम कराता है, और सबसे बड़ी बात ये होती है कि उसकी भी नज़र अपने सुपरिचित वोट बैंक पर होती है, ना कि गांव के विकास पर होती है। गांव के विकास के लिए गांव की जनता को, युवाओं को अब एक मौका देना चाहिए। युवाओं को मौका इसलिए देना चाहिए कि हमने सोचा कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा युवा चुना जाएगा, क्योंकि आज के परिवेश में जिस प्रकार से युवा कहीं ना कहीं शिक्षित है, उसकी सोच में समाज को साथ में ले चलने की एक सोच विकसित हुई है, और इस सोच को देखते हुए हम सोचते हैं कि गाँव के युवाओं के लिए एक बड़ा अवसर पंचायत चुनाव के समय आएगा। चूँकि गांव, मैंने जब पिछले दिनों एक चर्चा की थी, तो वहां से एक बड़ी बात निकल करके आई थी कि ग्राम पंचायत राजनीति का एक गर्भ है। जिस प्रकार से एक माँ गर्भ से अपने बच्चे को जन्म देती है, वो बच्चा उस परिवार का भविष्य होता है, उस गांव का भविष्य होता है, वो देश और प्रदेश का भविष्य होता है, वैसे ही ग्राम पंचायत का चुनाव और गाँव राजनीति का एक गर्भ है। आप तय मानिए कि जिस प्रकार से आपको अपने बड़े नेताओं से नफरत हो सकती है, ईर्ष्या और द्वेष हो सकता है, ऐसा लगता है
ये लोग आपको कहीं ना कहीं गलत पर लिए जा रहे हैं और भ्रष्टाचार के तमाम उदाहरण आप लोगों ने देखे होंगे। तो अगर आप तय करते हैं कि यहाँ से इस गांव के गर्भ से एक अच्छा संवेदनशील नेतृत्वकर्ता खड़ा हो जो जिंदगी को महसूस करे, समाज की विसंगतियों को समाप्त करके और गांव के अंदर नफरत फैला करके राजनीति करने वाले जो नफरत की सियासत करते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ जब गांव की जनता खड़े होकर के एक अच्छे व्यक्ति का समर्थन करेगी तो मुझे पूर्ण ये विश्वास होता है कि जरूर एक बड़ा बदलाव होगा। क्योंकि पिछले दिनों हमने जब चर्चा दरसेड़ा गांव में की थी और हमने एक शब्द का प्रयोग किया था कि जो डकैत मानसिकता के लोग हैं, आप देखते हैं कि आपको डकैतों से, बदमाशों से बड़ी परेशानी है। एक जंगल का डकैत भारी होता है या फिर गांव के अंदर बैठा हुआ वो डकैत भारी है जो गांव के विकास के लिए आए हुए धन को खा करके गांव की अर्थव्यवस्था को न मजबूत करके अपने घर की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम करता है। और ऐसा इसलिए हम कहते हैं कि आप ध्यान से अगर सोचेंगे तो प्रत्येक 5 साल के बजट का ही गांव की जनता को पता नहीं होता है, जबकि देश की एक सरकार, प्रदेश की एक सरकार ये बताने का काम करती है कि गांव हम प्रत्येक देश में, अपने देश में और प्रदेश के लिए प्रत्येक एक साल में कितने बजट का प्रयोग विकास के लिए प्रयोग करते हैं।